के खाते में जाती हुई और मेरे साथ सुमैरा जुड़ गई। जी हाँ समीर, और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, घाट लोडिया से भूपेंद्र पटेल जीत गए हैं, मुख्यमंत्री जीत गए हैं। अब ताजपोशी भी होगी क्योंकि ये साफ तौर कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि वही मुख्यमंत्री होंगे। तो घाट लोडिया से भूपेंद्र पटेल जीत गए हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया गया है, वो भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए एक और अहम खबर आ रही है, हार्दिक पटेल भी जीत गए हैं। पहली बार चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या माहौल बनाया हार्दिक पटेल ने। और वीरमगाम से अब हार्दिक पटेल की जीत की खबर भी आ रही है। और ये तस्वीरें बहुत खास, घाटलोडिया से दूसरी बार अपनी सीट निकाली है भूपेंद्र पटेल ने, 2017 में भी इसी सीट से जीते थे और अब एक बार फिर बड़ी जीत के बाद पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर। देखिए गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात का जो गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेकर पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखिए जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी की जीत पर हर तरफ जश्न हो रहा है। हमारे साथ दर्शना जरदोशी जुड़ गई है, एमओएस रेलवेज एंड टेक्सटाइल्स, सांसद हैं सूरत से। दर्शना जी बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बीजेपी की इस बड़ी जीत के लिए मुबारकबाद। जीत में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन एक बड़ा इतिहास भी रच दिया है जिस तरह की सीटें बीजेपी ने जीती हैं इस बार। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सबका भरोसा जो है वो कायम रहा, आगे वाले दिनों में भी कायम रहेगा। तो ये भरोसे की सरकार है और ये गुजरात हमने बनाया है। ये जो भावना हुई थी, अस्मिता की बात हुई थी और प्रधानमंत्री के प्रति जो हमारा सम्मान है, उनकी हार्ड वर्किंग है, हम लोग जो सभी कार्यकर्ता अपने आप एक दूसरे के साथ मिलकर बूथ से लेकर हम लोग सांसद या मंत्री कोई भी हो, सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छा, हमारा दर्शना जी आप सूरत से ही सांसद हैं और सूरत की 16 में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, ये कितनी बड़ी कामयाबी? वो पिछली बार भी 2017 में भी जब बहुत राजनीति हुई थी, जब GST का मामला था, आधा शहर सूरत का रोड पे था, वहीं पे भी कांग्रेस ने बहुत राजनीति करी थी, तब भी आप लोग वही बोल रहे थे। इसके बाद में हम लोगों ने कभी नहीं माना कि ये सीट में हमारे यहाँ जो चाहत थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो कभी कम हुई, वो बढ़ती ही गई। हाँ, कॉरपोरेशन में कुछ स्थानिक मुद्दों के कारण ये आप पार्टी को लगने लगा और उन्होंने अपना अध्यक्ष भी उतार लिया, मुख्यमंत्री का चेहरा भी वहाँ बार बार आता रहा, उन्होंने बहुत राजनीति, लेकिन हम लोग विकास से साथ जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार, कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब मिलकर जो एक रिजल्ट मिलता है, जो डेवलपमेंट मिलता है, वो सबको पसंद है। लेकिन दर्शना जी, ये पहली बार चुनाव लड़ने के लिहाज से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी कामयाबी, गुजरात जैसे स्टेट के अंदर की 25% से ज्यादा वोट शेयर वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तब आप बता देना, क्योंकि वो तो कांग्रेस का ऑप्शन उन लोगों ने शायद ढूंढ लिया है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हम लोगों ने लगाया था जो सूरत से शुरुआत हुई है। कॉरपोरेशन में एक भी सीट कांग्रेस की है नहीं और वहीं पे आप पार्टी को वो मौका मिल गया था आने का और उसी के रास्ते वो घुस रही है। तो ये तो लड़ाई ऐसी है कि लोगों को जब फाइनल नतीजा आएंगे तब फिर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजू निर्वाण का रुख कर लेते हैं, अंजू निर्वाण के पास चलते हैं और देखते हैं वहां क्या इस तरह की तस्वीरें मिल रही है। अंजू, बड़ी जीत दर्ज हुई है, क्या आपका कहना है? आप
तो देखिए जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जहां गुजरात में बड़ी जीत दर्ज की है, बीजेपी ने इतिहास रचा है जिसका वो लगातार दावा कर रहे थे, वहीं हिमाचल में पलटा है। पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिल रही है वहां। लेकिन साथ ही हम आपको जो लोकसभा उपचुनाव के नतीजे हैं वो भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप जश्न की देख रहे हैं, लेकिन साथ ही देखिए किस तरह से आगे चल रही है डिंपल यादव लोकसभा उपचुनाव के, मैनपुरी के जो रुझान है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 3 ये अहम सीटें, इनके रुझान भी लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं इस वक्त आपके सामने हैं, 154 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाती हुई। लेकिन बुरी खबर हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए यहां खुशखबरी है, कांग्रेस पार्टी 37 सीटों के साथ सरकार बना सकती है आसानी से, और बीजेपी के खाते में यहां सिर्फ 28 सीटें जाती हुई लेकिन नजर आ रही। समीर, आइए ये बता देते हैं कि गुजरात में जो नए वोटर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, नए चेहरों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, जो नए चेहरे उतारे थे उम्मीदवार मैदान में, 94 उम्मीदवार उतारे गए थे बीजेपी की तरफ से, इनमें से जीते हैं 80, हारे हैं 14, स्ट्राइक रेट 85% का है, यानी एक बड़ा स्ट्राइक रेट है। ये जो कदम उठाया गया ये बड़ा अहम कदम साबित हुआ। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नए चेहरों का रिपोर्ट कार्ड देखिए, 114 उम्मीदवार नए मैदान में उतरे, 7 ही जीते हैं, 107 हार गए हैं, स्ट्राइक रेट 6% का ही है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी ने जो नए चेहरे उम्मीदवार के तौर पर उतारे उन पर तो लोगों ने भरोसा किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नए चेहरों पर भरोसा नहीं किया गया। और यही हिमाचल प्रदेश में भी बता देते हैं, वहां पर नए चेहरों का क्या रिपोर्ट कार्ड है। देखिए उम्मीदवार 19 नए उम्मीदवार थे बीजेपी के, 8 ही जीते हैं, 11 हार गए हैं, 42% का स्ट्राइक रेट रहा है, यहां उस तरह का स्ट्राइक रेट नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी यहां पर फिर भी झेलनी पड़ी है। उम्मीदवार 11 मैदान में उतारे नए कांग्रेस पार्टी ने, 4 जीते 7 हारे, 36% का स्ट्राइक रेट। लेकिन बीजेपी नेताओं के जश्न की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है उनके लिए गुजरात में, जिस तरह की बड़ी जीत, कार्यकर्ता अब पूरे के पूरे जोश में आ चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, कितना 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 ज्यादा जो है एक्साइटमेंट हो रहा है आप लोगों को।